अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है सिंथेसिस ऑफ सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड जो हम बना रहे हैं वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है उसके अंदर हम बनाते हैं, क्योंकि सल्फर ट्राई ऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए कारआमद होती है। तो आज जो है सिर्फ हमने देखनी है कि सल्फर ट्राई ऑक्साइड जो है वो कैसे बन जाती है। तो सल्फर डाई ऑक्साइड और ऑक्सीजन को हम रिएक्शन करवाते हैं और क्या बन जाता है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है जी। तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर 8 फर्स्ट ईयर का पढ़ रहे हैं और उसके अंदर लेक्चर नंबर 12 को हमने आज डिस्कस करना है। तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड जो है वो कैसे बनती है, हम रिएक्शन लिख लेते हैं और फिर उसकी मदद से है जो ली चैटियर प्रिंसिपल है उनको फॉलो करेंगे और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्फर ट्राई ऑक्साइड जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। तो रिएक्शन हमारे पास क्या है कि सल्फर जो डाई ऑक्साइड है, ठीक है जी, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बना देगा। ठीक है जी, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बना देगा। अब ये जो है इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, 2 मोल्स लगा देते हैं और यहां पर भी क्या लगा देते हैं, 2 मोल्स। तो अब इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है जी। और इसके लिए जो ΔH जो है वो कितनी होती है, -194 किलो जोल पर मोल, मतलब इसके अंदर जो हीट है वो रिलीज होती है। तो डेफिनेटली ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर, ऑक्सीजन जो है वो एयर से हमें अवेलेबल होती है, तो इस चीज़ को भी हम देखेंगे कि ये कैसे अफेक्ट करेगी। तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देता है। अब हमने देखना है कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इन तीनों फैक्टर्स को डिस्कस करने के बाद लास्ट में हमारा एक और फैक्टर आ जाएगा, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, और थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और हमारा टॉपिक जो है वो एंड हो जाएगा। तो सबसे पहले है जी इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अब पीछे जो हमने अमोनिया की जो सेंथेसिस की थी उसके अंदर हेबर प्रोसेस के जरिए हमने सेंथेसिस की थी, और उसके अंदर हमने कहा था कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या अमोनिया, तीनों चीज़ें क्या होती है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है या इजीली अवेलेबल नहीं होती। इजीली अवेलेबल ना होने की वजह से क्या होता है, हम एडिशन नहीं कर सकते बल्कि हम रिमूवल करते थे। तो रिमूवल कैसे करते थे, हम प्रोडक्ट को रिमूव करते थे जिसकी वजह से यहाँ पर स्पेस बन जाती थी और रिएक्शन जो है फॉरवर्ड में जाता था और मज़ीद जो है प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर जो है हमने कहा है कि ऑक्सीजन मौजूद है। अब ऑक्सीजन जो है वो इजीली अवेलेबल है क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन यानी रिएक्टेंट हमें मौजूद है, तो हम रिएक्टेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, अगर कंसंट्रेशन के अंदर अगर हम कहें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब एडिशन क्यों करते हैं ऑक्सीजन की, क्योंकि ये जो है ड्यू टू इट्स प्रेजेंस इन एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर के अंदर ये बहुत ज्यादा पाई जाती है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को ऐड कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि कंसंट्रेशन अब हमने किस चीज की बढ़ानी या कम करनी है, डेफिनेटली रिएक्टेंट की। अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड में जाएगा। ये हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल बहुत अच्छे तरीके से एक ब्रीफ लेक्चर जो है हमने तैयार किया था, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट करती है। आगे है जी प्रेशर एंड वॉल्यूम का इफेक्ट। तो जैसे हमने अमोनिया के अंदर किया था वैसे ही सेम टू सेम है यहां पर भी। कैसे, यहां पर भी प्रोडक्ट के 2 मोल है और रिएक्टेंट के 3 मोल, 2, और ऑक्सीजन का क्या है, 1 मोल है। यहां पर 2 मोल है सल्फर डाइऑक्साइड के और यहां पर ऑक्सीजन का कितना है, 1 मोल। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 मोल, और यहां पर कितने हैं, 2 मोल है। ठीक है जी। तो अगर हम यहां पर लिखना चाहें तो रिएक्टेंट्स के जो मोल है, 3 मोल्स हैं रिएक्टेंट के रिएक्टेंट्स, और हमारे पास जो 3 मोल रिएक्टेंट किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, 2 मोल जो है, 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब 3 मोल रिएक्टेंट्स जो है वो 2 मोल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, और हमने कहा था कि 1 मोल जो कोई भी गैस वगैरह होती है या कोई भी सोल्यूशन होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब, मोलर वॉल्यूम जिसे हमने कहा हुआ है। पहले हमने अमोनिया की सिंथेसिस के अंदर भी देखा और इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम के अंदर ली चैटलियर प्रिंसिपल के अंदर भी पढ़ा था कि 1 मोल जो है वो कितने के इक्वल होता है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब, तो तकरीबन 22 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 44 हो जाएगा।
ऐसे होगा। तो यहां पर ऑलमोस्ट कितना हो गया है 44 एटमा, ये वॉल्यूम हो जाएगा क्योंकि दो है, तो 2022 कितना हो जाएगा 44, और यहां पर 3 मल्टीप्लाई बाय 22 कितना हो जाएगा हमारे पास 66 हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो वॉल्यूम कितना है 66 और यहां पर वॉल्यूम कितना है 44। तो ज्यादा से कम की तरफ हमारे पास रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं हम, तो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्रेशर को अप्लाई करेंगे। अगर प्रेशर ज्यादा हो रहा होगा तो डेफिनेटली वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम किस चीज का है, प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट ज्यादा बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, तो अगर यहां पर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ज्यादा से कम की तरफ जो है रिएक्शन ने मूव करना है, तो ज्यादा से कम की तरफ अगर हम देखें तो ये वाले वॉल्यूम क्या है, कम है। ठीक है जी, तो वॉल्यूम कम होने की वजह से प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बनना शुरू हो जाएंगे, तो डेफिनेटली हमारे पास SO3 की जो फॉर्मेशन है वो ज्यादा हो जाएगी। तो इसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे, रिएक्टेंट बढ़ा रहे हैं जिसकी वजह से सल्फर ट्राइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यानी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, अमाउंट ऑफ या यील्ड ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बढ़ रही है। यहां पर हमने क्या किया, प्रेशर ज्यादा अप्लाई किया जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हो गया है, और वॉल्यूम कम किस चीज का है, प्रोडक्ट का, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बन रहा है, यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड की यील्ड ज्यादा हो रही है। ठीक है जी, तो हमारे पास दो फैक्टर्स हो गए हैं, ऑलमोस्ट तीन ही फैक्टर्स हो गए हैं, कंसंट्रेशन, प्रेशर और वॉल्यूम वाले तीन फैक्टर्स हो गए हैं। आगे जो फोर्थ फैक्टर है वो हमने क्या देखना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर मैंने अमोनिया की जो हैबर सिंथेसिस है उसके अंदर भी आपको बताया था कि दो ही फैक्टर्स होते हैं जिनसे आपने मेजर करना है कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा। हमने देखना है कि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, और उसके लिहाज से ही हम बताएंगे कि रिएक्शन जो है हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे, और रिएक्शन फॉरवर्ड या रिवर्स में जाएगा। ठीक है जी, तो यहां पर अगर हम देखें तो नेगेटिव के अंदर हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है, अगर नेगेटिव के अंदर हीट है तो मतलब क्या होगा, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है जी, और एक्सोथर्मिक का हमने पढ़ा था कि जो एक्सोथर्मिक चीजें होती है उसके अंदर टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर हीट इवॉल्व हो रही है डेफिनेटली सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और एंडोथर्मिक जो होती है उसके अंदर टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहां पर अगर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर हम सिस्टम का टेम्परेचर कम कर दें तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, और अगर टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे तो रिएक्शन रिवर्स में जाएगा। ठीक है जी, तो हमने ये वाली चीजें करनी है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, पहले क्या बढ़ रहा था, और अपोजिट केस अगर अप्लाई कर देंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, और अगर सिमिलर केस अप्लाई कर देंगे तो रिएक्शन रिवर्स में जाएगा। अब यहां पर टेम्परेचर एंडोथर्मिक के अंदर कम हो रहा होता है, तो अगर हम टेम्परेचर को क्या कर दें, यहां पर कम हो रहा है और हम ज्यादा कर दें तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, और अगर यहां पर कम हो रहा है और हम भी कम कर दें, सिमिलर केस अप्लाई कर दें, तो रिएक्शन रिवर्स में जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास ये आ जाएगा कि जब हम अपोजिट केस अप्लाई करते हैं, बढ़ रहा है कम कर रहे हैं तो फॉरवर्ड, कम हो रहा है बढ़ रहा है तो फॉरवर्ड। ठीक है जी, तो ये जो रिएक्शन है ये कौन सा होगा, फॉरवर्ड होगा, और अगर हम सिमिलर केस अप्लाई कर दें, मतलब एक्सोथर्मिक भी टेम्परेचर बढ़ा रहा है और हम भी टेम्परेचर को बढ़ा दें तो रिवर्स होगा, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है वो टेम्परेचर को कम कर रहा है और हम भी टेम्परेचर को कम कर दें तो फिर क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो हमने अब यहां पर क्या करना है, रिएक्शन फॉरवर्ड करना है क्योंकि SO3 की फॉर्मेशन हमें ज्यादा चाहिए है, तो SO3 की फॉर्मेशन अगर ज्यादा चाहिए तो डेफिनेटली अगर टेम्परेचर यहां पर बढ़ रहा है एक्सोथर्मिक के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा ताकि फॉरवर्ड के अंदर जाए और SO3 की जो फॉर्मेशन है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड की जो फॉर्मेशन है, वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये था हमारे पास तीन या चार जो फैक्टर्स थे जो हमने डिस्कस करने थे, पहला इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन के लिहाज से, तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन के लिहाज से अब हमने किसी चीज़ की रिमूवल नहीं करनी क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो इजीली अवेलेबल होता है, तो हम रिएक्टेंट ऐड करेंगे और रिएक्शन फॉरवर्ड की डायरेक्शन में जाएगा। सेकंड पॉइंट कि यहाँ पर देखें कि रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज़्यादा है और प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम है, तो अगर हम प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा जिसकी वजह से कम वॉल्यूम वाली यानी प्रोडक्ट वाली चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी, यानी SO3 फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को देखेंगे, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो डेफिनेटली इसके अंदर अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे क्योंकि पहले टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हम अगर कम कर देंगे तो रिएक्शन किस सीमत में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगा। तो हमने टेम्परेचर को कम रखना है और प्रेशर को ज़्यादा करना है और साथ में ऑक्सीजन को सप्लाई करना है, तो यही तीन फैक्टर्स है जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ SO3 जो है वो बना सकते हैं। तो प्रेशर जो है वो हम अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम कोई अप्लाई कर लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर।
ठीक है जी। और ये क्या होगा, ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो हमारे पास हो जाएगा। फिर उसके बाद टेम्परेचर जो है वो होता है 650 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, लेकिन इसको हम कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक है तो इसलिए टेम्परेचर को कम करना है, तो टेम्परेचर जो है हम कर देते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट। लेकिन जब ये टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमने पीछे भी पढ़ा था कि जब टेम्परेचर कम होता है तो कोलिजन कम हो जाती है, ये मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कम करेंगे, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाएगी। अगर स्पीड ऑफ फॉर्मेशन कम हो रही है डेफिनेटली उसकी वजह से भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा और ये सही तरीके से नहीं बन पाएगा, तो वो भी हमने नहीं करना। तो इसलिए जब हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो साथ में कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं ताकि स्पीड जो है वो उसकी बढ़ा सके। तो कैटलिस्ट का काम ही यही होता है, हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल के अंदर पढ़ा था कि कैटलिस्ट जब भी ऐड करते हैं उसका काम जस्ट ये होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन को तेज करना। तो डेफिनेटली ये रिएक्शन को की जो स्पीड है उसको तेज कर देगा, जो कि कम हुई थी टेम्परेचर के कम होने की वजह से। ठीक है जी। तो प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर जो है ज्यादा रखना था, लेकिन एक्सोथर्मिक होने की वजह से हमें टेम्परेचर को कम कर दिया। जब टेम्परेचर कम किया तो स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्पीड को ज्यादा करने के लिए हम कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये क्या है हमारे पास, कैटलिस्ट। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद यहां पर जो है आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आगे वो लिखेगा कि ये जो SO3 है अब इसको सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाएंगे, तो ये उसने लिख रखा है, वो हम देख लेते हैं। तो सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है हमारे पास, सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है वो किसके साथ, H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा और ये बना देगा ओलियम, H2S2O7, ये होता है ओलियम। अब ये जो ओलियम बना है इसको हमने डाइल्यूट करना है H2S2O7 और प्लस H2O, और ये क्या बन जाएगा, हमारे पास अलग अलग बना लेते हैं कि H2SO4 प्लस H2SO4, दो मॉलिक्यूल जो है वो H2SO4 के बन गए हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो रिएक्टेंट के अंदर हमने H2SO4 यूज किया था और वो अलग हो गया है, असल जो फॉर्मेशन हुई है और ये वाला तो वैसे का वैसे ही है। ठीक है जी। ये प्रोडक्ट के अंदर वही रिएक्टेंट के अंदर यूज कर दिया है, असल जो फॉर्मेशन हुई है वो मेनली SO3 की वाटर के साथ हुई है। ठीक है जी। किस चीज की, SO3 की वाटर के साथ, क्योंकि H2SO4 एक जो मॉलिक्यूल हमने यूज किया था वो वैसे के वैसे निकल गया है, लेकिन SO3 जो है वाटर के साथ मिलकर क्या बना देती है, दूसरा H2SO4 जो है वो बना देती है। तो हमारे पास इस तरह हम बता सकते हैं कि जो SO3 है वो वाटर के साथ मिलकर क्या बनाती है, H2SO4, लेकिन हमने डायरेक्ट इसको नहीं मिला सकते, क्योंकि जब डायरेक्ट मिलाते हैं SO3 को H2SO4 के साथ, सॉरी H2O के साथ कि H2SO4 बन जाए, तो ये वाला जो डायरेक्ट प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, एक्सप्लोजिव होता है, बहुत ज़्यादा हीट, और इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो डेफिनेटली हमने क्या करना है, पहले SO3 को H2SO4 के अंदर डालना है, ओलियम बनाना है, और ओलियम को फिर डायल्यूट करके क्या बना लेंगे, H2SO4 के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है जी। तो इस तरह हमने सल्फ्यूरिक एसिड को बना लेना है, और ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस के जरिए होता है। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसकी जो फॉर्मेशन होती है हमारे पास, इसकी हम कह सकते हैं कि कोई भी मुल्क जितना तरक्की कर रहा है हम किस बेस पे उसको बता सकते हैं कि उसकी इंडस्ट्रीज के अंदर कितना कोई ज़्यादा जो है H2SO4 बन रहा है। जितना ज़्यादा H2SO4 बन रहा होगा तो डेफिनेटली उसकी जो तरक्की है हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना उसकी प्रोडक्शन H2SO4 की है, क्योंकि इसको हम किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होता है और भी बहुत सी चीज़ों के अंदर इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए डेफिनेटली ये जो है मुल्क की तरक्की के अंदर अहम किरदार अदा करता है। तो H2SO4 की हम सॉरी सल्फर ट्राई ऑक्साइड की जो फॉर्मेशन है वो हमने देखी है, तीनों फैक्टर्स की मदद से देखा, कंसेंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम और साथ में टेम्परेचर के लिहाज से। देन उसके बाद हमने कंडीशन बताई कि एक्चुअल में कौन कौन सी कंडीशन हमने रखनी है और साथ में कैटलिस्ट, और फिर बताया कि ये जो सल्फर ट्राईऑक्साइड है ये किस चीज़ की फॉर्मेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, वाटर के साथ। पहले जो है सल्फर ट्राईऑक्साइड किसके साथ मिलेगा, H2SO4 के साथ, और ओलियम बना देगा, और ओलियम को डाइल्यूट करेंगे तो क्या बन जाएगा, H2SO4 के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, और ये जो है हमने बनाना था H2SO4, जो कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस के जरिए बनता है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।